यार रुको, मैं पहले जा रही हूँ। मकई के दाने? यह क्या मजाक है? मैं अपने दांत तोड़ने तो यहाँ नहीं आई हूँ। ठीक है, फिर कुछ मत खाओ, शायद ये ठीक ही होंगे। नहीं, यह नहीं करना चाहिए था। अब मैं देखती हूँ कि मुझे क्या मिला है। चॉकलेट मकई। अब यह तो इंतजार के लायक था। इसकी खुशबू गजब की है। अब तो समय लेकर खाने का कोई फायदा भी नहीं है। मैं सब एक बार में खा जाऊंगी। यह सही नहीं है। मुझे न्याय मिल कर रहेगा। वह भी एक स्वादिष्ट स्नैक्स के साथ। सब तुरंत बदल जाएगा। तुमने यह क्यों किया मैरी? मुझे पॉपकॉर्न बनाना था। बहुत बढ़िया, मुझे तो इससे कोई शिकायत नहीं है। मुझे पता था यह काम कर जाएगा। बहुत शुक्र है, मुझे लगा हमें खाने के बिना ही छोड़ देते। ओह, चॉकलेट मिर्ची। इसका मतलब है मुझे असली वाले मिले हैं। तुम यह कर सकती हो मैरी। अरे नहीं, मैं सही थी, यह करना तो नामुमकिन होगा। मैं तुम्हें मदद करने के लिए जो कर सकती हूँ वह करूँगी। यालो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हें इसकी जरूरत होगी। मुझे तब भी बहुत डर लग रहा है इसे चखने में। यालो, मैरी, बर्फ है इधर। इससे सच में काफी मदद हुई, धन्यवाद। अच्छा है, लेकिन तुम्हारा मेकअप थोड़ा खराब हो गया। लेकिन छोड़ो, मैं उस पर ध्यान नहीं दे सकती हूँ, मुझे अपनी डिश खानी है। मैं बस यहाँ बैठकर ये सब नहीं देख सकती। यह तो बहुत ही स्वादिष्ट था। चलो देखते हैं इस मिर्च के बारे में उसका क्या ख्याल है। सुनो यार, तुम्हारे पास अभी भी एक बाकी है। अरे हाँ, मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद। पता नहीं ये कैसे छूट गया। कितना तीखा है ये। ये लो पानी। मैं बहुत खुश हूँ कि यह कटोरा यहीं पर था। एक चॉकलेट घड़ी, यह तो मैंने पहले कभी नहीं देखा है। वैसे मेरा भी बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन स्वाद तो बहुत बुरा है। प्लास्टिक तो चॉकलेट के सामने कुछ भी नहीं है। हाँ, यह याद दिलाने के लिए धन्यवाद। कितनी लालची है। जब कुछ मीठे की बात हो तो मैं किसी के साथ नहीं बांट सकती। देखो यहाँ मेरे पास कितना चॉकलेट है। मैं तो जलन और भूख से पागल हो जाऊंगी। काश मैं समय को पीछे कर पाती। रुको, मैं कर सकती हूँ, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। ऐसा करने के लिए धन्यवाद मैरी। अब तो तुम्हें मेरे साथ बांटना ही होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम इतनी लालची कैसे हो सकती हो? ओह, मेरा पेट पूरा चॉकलेट से भर गया है। वह घड़ी मुझे दो, उसे मत छुओ। छोड़ो, यह तुमने क्या किया? हम इतने बूढ़े हो गए हैं। ओह, अब सब ठीक जैसा होना चाहिए था वैसा है।
या कैक्टस बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। मैं तो ऐसा नहीं कह सकती, हमेशा मैं ही बदनसीब क्यों होती हूँ। शायद मैं ये बदल सकती हूँ। अब इस पौधे का थोड़ा मेकओवर करें। अच्छा आइडिया है, अब इसे खाने का समय। ओह, कितना कड़वा है। लगता है इसके कांटे को हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे उस स्वाद को हटाना होगा। माफ करना, इसमें मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, मेरे पास और भी महत्वपूर्ण काम है। पौधों में पानी देने वाला बर्तन, और वो भी भरा हुआ। अरे, मुझे इसकी जरूरत थी अपने कैक्टस को बढ़ाने के लिए। ठीक है, मैं बस और बड़ा और बेहतर वाला ले आती हूँ। यह भी चला गया। मैरी, ओके। उफ, ठीक है, मेरे पास अब सिर्फ आखिरी बड़ा वाला कैन है। यह मैं ले लेती हूँ। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी, मैं तुम्हें ये नहीं दूंगी। वाह, यह क्या हो रहा है? मैंने कर लिया, मैंने अपने चॉकलेट कैक्टस को और बड़ा कर लिया। ये कितना स्वादिष्ट है। प्लीज प्लीज मुझे दे दो। ओके, अच्छा ठीक है, ये लो। थैंक यू वेरी मच। एक बड़ा और सुंदर सा बर्गर, क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? एक बर्गर जो पूरी तरह से चॉकलेट से बना हो, यह तो और भी बेहतर है। हेलो। बहस करने का कोई मतलब नहीं होगा, इससे अच्छा है हम अपनी डिश ही खाना शुरू कर दें। यह तो लाजवाब है। क्या तुम थोड़ा आराम से खा सकती हो? तुम मुझे हमेशा परेशान क्यों करती हो जब मैं खा रही हूँ? माफ करना, ऐसा फिर नहीं होगा, और आशा है कि तुम भी मुझे परेशान ना करो। मैं तो अभी कुछ शानदार बनाने वाली हूँ, एक मीठा बर्गर मास्टरपीस। यह तो मुझे चखना ही होगा। उप्स, तुम्हारा हैट तो उड़ गया मैरी। यह कैसे हुआ? और मेरा बर्गर कहाँ है? तुम्हें ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं पहले जाऊंगी। एक मेंढक? ओह, देखो ये असली वाला नहीं है। ये तो स्वादिष्ट चॉकलेट का बना हुआ है, लेकिन फिर इसका मतलब है कि इसके अंदर असली वाला होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। माफ करना, लेकिन तुम्हें यह चखना ही होगा। ये मुझ पर कूद पड़ा, कोई मदद करो। यह तो कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। अरे, यह एक राजकुमार है। तुमने जादुई स्पेल तोड़ दिया और अब हम हमेशा साथ रह सकते हैं। तुम्हें उस अजनबी की क्या जरूरत है? वैसे मुझे पता है कि उस प्राणी से छुटकारा कैसे मिल सकता है। मुझे बस जाल फैलाने के लिए एक मक्खी की जरूरत होगी। ओ, किधर गया? इधर आओ। अच्छे से काम कर गया। यह अंडा कितना बड़ा है, दिलचस्प लग रहा है। मुझे लगता है मेरा चॉकलेट का बना हुआ है। चलो देखते हैं इसके अंदर क्या है। ओ, कितना प्यारा ड्रैगन है। हाँ, सच में बहुत प्यारा है, लेकिन मेरी नजर तो उस अंडे के चॉकलेट वाले हिस्से पर है। माफ करना, वह हमारा है। कुकी।
कोई बात नहीं, मेरे पास खुद का डिश है। अरे नहीं, एक असली कच्चा अंडा। कितने अफसोस की बात है। मैं और मेरा ड्रैगन इसमें तुम्हारी मदद कर सकते हैं। धन्यवाद, तुम दोनों कितने अच्छे हो। मैं इसे खाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। एकदम अच्छे से पक गया है। क्या इसके अंदर कोई है? मुझे थोड़ा डर लग रहा है। नए जूते? मैं तो बिना मतलब के डर रहा था। ये मेरे स्टाइल के नहीं है। शायद तुम्हें ये नहीं पसंद आए क्योंकि तुम्हारे नकली और मेरे असली वाले हैं। हाँ। अच्छा है कि तुम्हें खुश होने की वजह मिल गई, पर एक मीठा जूता तो बहुत ही बेहतर है। कितना सारा फ्रॉस्टिंग है। वाह, कितना सारा केक। हाँ बिल्कुल, और इसका स्वाद लाजवाब है। हाँ दूर रखो। अरे वाह, मुझे तो मिल गया। ठीक है, अब इसे पूरा खत्म करने का समय आ गया है। यह क्या है, एक मोजा? छी, कितना गंदा। हाँ, इसका मजा लो। ओहो, बहुत हो गया। यह देखो, इससे अच्छे जूते तो मैंने कभी नहीं देखे हैं। और अब मैं अपने पुराने वाले जूते को हमेशा के लिए फेंक देता हूँ। मैं गिर रहा हूँ। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। मेरा पैर, मुझे लगता है टूट गया है। तुम कभी कभी बहुत नाटक करते हो। अरे वाह, एक गुलाबी कंघी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम इतनी खुश क्यों हो रही हो। ओ, इसलिए कि मुझे दोबारा केक मिला है। देखा, मुझे पता था। यह सही नहीं है। और अब मैं इस बेकार के कंघी के साथ फंस गया हूँ। वाह, यह नया लुक है। लंबे बाल, यह कहाँ से आया? यह कंघी तो मुझे पागल कर देगी। वाह, अच्छे घुंघराले बाल हैं यार। शायद मैं भी अपनी हेयर स्टाइल बदल सकती हूँ, प्लीज। ओके। ठीक है, ये लो। और मैं तुम्हारे यहाँ डिजर्ट लूंगा। तो कैसा लग रहा है? कंघी बालों में फंस गई है। रुको, मैं मदद करता हूँ। हो गया। ओह, यह क्या, मैं टकली हो गई। अरे, तुम्हें तो खुद ही एक नया स्टाइल चाहिए था। मिल गया। इस बार देखने के लिए तैयार हो कि क्या मिलेगा? चलो साथ में करते हैं। नाचोस। अच्छा है, लेकिन पहले हमें पता लगाना होगा कि किसका असली है। वाह, मुझे केक वाला मिला। जो भी हो, मैं खुश हूँ कि मुझे चिप्स मिले हैं। कितने सारे हैं। यह तो चिप्स की बारिश हो रही है। तुम खाओ खाओ, और मैं भी तुम्हारे वाले के साथ यही करती हूँ। अरे, इसी वक्त मुझे वापस दे दो। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। फिर तुम सावधान रहना। यह क्या था? एकदम सही निशाना। यह तो मुझे जारी रखना होगा। अरे नहीं, मुझे लगता है मैं जाल में फंस गई। मदद करो। पकड़ लिया, और अब मैं अपना केक वापस ले रहा हूँ। ओ, एक दो बाइट तो दे दो प्लीज। देर हो गई, मैंने तो पूरा खा लिया। बाय बाय।
बर्गर, हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। यह तो तुमने एकदम सही कहा, यह कमाल का है। अच्छा है कि मैं खुद का चीज सॉस ले आया था, लाजवाब होने जा रहा है। बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट, इससे अच्छा बर्गर मैंने कभी नहीं खाया है। ओ, यह तो मजेदार था। एक मिनट रुको, मैं तुम्हें एक ट्रिक दिखाना चाहता हूँ। तीन, दो, एक, और यह रहा। अरे, ये तुमने क्या किया टेड? मैं देख रहा हूँ तुम्हें मेरा जादुई प्रदर्शन पसंद नहीं आया, लेकिन मुझे तो बहुत मजा आया। अब यह बर्गर केक मेरा है। यह तुमने जानबूझकर किया है, और अब मैं इसका बदला लूंगी। रुक जाओ, अब मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। अच्छा है कि तुमने सबक सीख लिया। और अब आखिरकार यह उस जगह पर है जहाँ इसे होना चाहिए, मेरे पास। वाह, यह तो चॉकलेट केक है, मैं बहुत खुश हूँ। चलो देखते हैं इस बार क्या होगा। एक ही तरीका है पता लगाने का। वाह, एक स्मार्टफोन। हाँ, तुम सही थी। वाह, क्या है? एक अलार्म जो मुझे नहीं चाहिए था। इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि तुम्हारा धातु का बना हुआ असली फोन है और मेरा मीठा केक। यह अच्छा नहीं है। जो है सो है, किस्मत में यही लिखा था। ओह, मेरे सर, यह क्या बज रहा है? लगता है वो क्लॉक ऐप असली था। ओह, वो बंद करने के लिए धन्यवाद, अब मैं जारी रख सकती हूँ। आउच! तुमने और क्यों खाया? क्या तुम पागल हो? What? नहीं, मुझे सारे खाने थे। कितना स्वादिष्ट, और केक चाहिए। और यह क्या बकवास कर रहा है? छोड़ो टेड, मेरे केक को मत छुओ। इसे अभी खत्म करना होगा। मेरा सिर फट जाएगा। माफ करना, तुम्हें जगाने का यही तरीका था। और यह क्या है? क्या यह मेरा केक है? परेशान मत हो, मेरा भी उतना ही छोटा है, इसलिए मुझे यह चुनौती पसंद नहीं आ रही है। चलो देखती हूँ कि मुझे डेकोरेशन के लिए क्या मिलेगा। वाह, रंगीन न्यूटेला, अच्छा है, मेरा मूड तुरंत सुधर गया। मोनिका, देखो कितने सारे जार है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। ये सभी बहुत ही रंगीन, चमकदार और सुंदर है। मुझे लगता है कि मैं पीला लूंगी, पर मुझे कुछ ड्रॉ करने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत होगी। इसके बिना मेरा केक दिखेगा नहीं। मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ। देखो यह कितना सुंदर है, मुझे लगता है कि मुझे और रंग लगाना चाहिए। यह अच्छा लग रहा है, मुझे केक पर ड्रॉ करना पसंद है। सुंदर, पर मैं मुश्किल से इसके डिजाइन को भी देख पा रही हूँ। ठीक से देखो मोनिका, तुम्हें कोई पछतावा नहीं होगा, ये एक मास्टरपीस है। मुझे लगता है ये बहुत प्यारा लग रहा है। मैंने कर लिया, अब तुम्हारी बारी है। मैंने पहिया घुमा दिया। गमी आइस, बहुत अच्छा है, मैं लकी हूँ। वाह, कितनी बड़ी गमी आंख है, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। देखो सूजी, यह कितना मजेदार है ना? खैर, अब इसे केक पर सजाने का समय है। ओह, ये तो पूरा दब गया। परेशान मत हो मोनिका, अगली बार तुम जरूर सफल होगी। मैं इसे खाकर अपने मूड को ठीक करने की कोशिश करती हूँ। बुरा नहीं है, पर मैं अभी भी दुखी हूँ। बेचारी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बेवकूफ गमी आंख, इसने सब बर्बाद कर दिया।
मोनिका, अपने आप को संभालो और खुद को साफ करो। एक सेकंड रुको, यह आईना ले लो। धन्यवाद सूजी, इससे काफी मदद मिलेगी। मैं देखना चाहती हूँ कि मैं कैसी दिख रही हूँ। मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ। आखिरकार मैं उसे शांत करने में कामयाब रही। अब केक के मजे ले सकती हूँ। उफ, कितना भयानक, मेरा सारा मेकअप फैल गया है। मुझे पाउडर लगाना है। अरे नहीं, मुझे छींक आ रही है। ओ नहीं, मैंने अपना प्यारा केक उड़ा दिया। ये तुम्हारी गलती है मोनिका, मेरे पास अब कोई केक नहीं है। ये अच्छा नहीं हुआ, ये मेरे जीवन का सबसे बुरा दिन है। मुझे माफ कर दो, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है। और हमारा केक कहाँ है? शायद पहले पहिया घुमाना होगा। चलो शुरू हो जाओ। वाह किटकैट, इसे तो किसी केक की जरूरत नहीं है। वैसे वह है कहाँ? वाह कितने सारे चॉकलेट बार, इसे तो गिना भी नहीं जा सकता, ये पूरा टावर है। मोनिका तुम बहुत भाग्यशाली हो। अब मैं पहिया घुमाती हूँ। M&M's, बहुत बढ़िया, हम दोनों ही किस्मत वाले निकले। मुझे मेरी कैंडी चाहिए। कितना बड़ा पैक है, वाह इसकी उम्मीद नहीं थी। लेकिन हमारे केक कहाँ है? वे अभी भी यहाँ नहीं है। क्या तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? वाह कितना बड़ा केक है। ओ मोनिका, मुझे अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। यह वास्तव में किसी सपने की तरह है। यह केक कितना स्वादिष्ट दिख रहा है। मैं इसे पहले सजाती हूँ। मैं इस बार से शुरू करूंगी, पर इससे सारे गिर जाएंगे। वैसे ये बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे पता था तुम हैरान हो जाओगी। खैर चलो अपने काम पर लग जाओ। ओ चॉकलेट, ये कितना सुंदर है। मैं रुक नहीं सकती, मैं इसे खाना चाहती हूँ। अब मैं बिल्कुल भी नहीं रुक सकती। चॉकलेट हमेशा से मेरी सबसे बड़ी कमजोरी रही है। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे तुम्हें यह याद दिलाना होगा कि केक को सजाने के लिए किटकैट की जरूरत है। तुम मेरे मजा को कैसे खराब करना है यह जानती हो। ठीक है जैसा तुम कहो। अब मैं केक पर चॉकलेट बार लगा रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे यकीन है तुम्हें यह पसंद आएगा। देखो कैसे बार समान रूप से एक एक करके लगी हुई है। एकदम सही लग रहा है, मुझे लगता है कि मैं इस काम में माहिर हूँ। बहुत बढ़िया मोनिका, अब मेरी चाल। मैं अपनी केक को और भी सुंदर बनाऊंगी, और यह सुंदर चमकीले कैंडी इसमें मेरी मदद करेंगी। मैं बस इसे ऊपर डालती हूँ और यह हो गया। देखो केक तुम्हारे आंखों के सामने बदल रहा है, अब यह पहले से भी बेहतर दिखने लगा है। बस हो गया, यह एक मास्टरपीस है। तुम सही कह रही हो, मैं केक से आंख नहीं हटा पा रही हूँ। ये बहुत चॉकलेटी और सुंदर है, मुझे लगता है इसके स्वाद लेने का समय आ गया है। मैं पहले से ही कांटे और चाकू के साथ तैयार हूँ। लेकिन तुम मोमबत्तियों के बारे में पूरी तरह से भूल गई हो, उसके बिना केक कैसा? यह केक मेरा उपहार है, देखो आज मेरा जन्मदिन है। ओ मैं तो इसके बारे में भूल ही गई थी। खुश हो जाओ मोनिका, हम उत्सव मना रहे हैं। मोनिका तुम इतनी दुखी क्यों हो? यह टोपी लो, मुझे आशा है कि तुम इससे खुश हो जाओगी। मुझे इस बेवकूफ टोपी की जरूरत नहीं है, मुझे केक चाहिए। लेकिन असल में यह मेरा है, देखो मोमबत्तियाँ कितने सुंदर से जल रही हैं। मोमबत्तियाँ, आइडिया देने के लिए धन्यवाद। क्या हुआ? मुझे पेसिफायर चाहिए मम्मी। लगता है सूजी एक साल की बच्ची बन गई है। यह लो और प्लीज रो मत। स्वादिष्ट, अब वह निश्चित रूप से मुझे पूरा केक खाने से नहीं रोकेगी। मुझे यही चाहिए था, लालची। कोई और मोमबत्ती नहीं, मुझे कैंडी चॉकलेट और केक में ही दिलचस्पी है। वाह यह केक अच्छे लग रहे हैं, मैं अभी से इसे खाने की कल्पना कर रही हूँ। मैं पहिया घुमाने के लिए तैयार हूँ। तुम क्या सोच रही हो सूजी, जल्दी करो। ठीक है मैं बस अपनी कल्पना में खो गई थी। मुझे गुलाबी फ्रॉस्टिंग मिली है, बहुत बढ़िया। मुझे यकीन है कि इस केक के साथ बहुत अच्छा लगेगा। वाह क्रीम स्ट्रॉबेरी से बनाई गई है, कितना अच्छा, मुझे यह खाना है। स्वादिष्ट, बहुत मुलायम और मीठा। बधाई हो, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ वो तो है। क्या तुम्हें ट्रीट चाहिए मोनिका? हाँ क्यों नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, तुम बहुत अच्छी हो। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, मैं इसे हमेशा खाना चाहूंगी। अब मेरी बारी है इस पहिया को घुमाने की। पीला या हरा? दिलचस्प, मुझे आशा है कि इसका स्वाद तुम्हारी तरह ही अच्छा होगा।
वैसे वह है कहाँ? तुम्हारे फ्रॉस्टिंग में क्या है मोनिका? ये मुझे अभी नहीं पता, पर यह प्यारा लग रहा है। हमारे केक को सजाने के लिए सब कुछ तैयार है। चलो शुरू करें सूजी। मैं इस क्रीम से बहुत सारे छोटे फूल बनाऊंगी और मैं भी, फिर हमारे केक मिलते जुलते दिखेंगे। अरे हाँ, दोनों शानदार है। मुझे पता है ये बहुत अच्छा होगा, पर मुझे लगता है किसी चीज की कमी है। मेरे पास एक आइडिया है, हमें अपने कोन को अदला बदली करनी होगी। वाह, यह तो बहुत अच्छा है। इसे ये और भी सुंदर और चमकदार निकलेंगे। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। यह आसान नहीं था, लेकिन हमने कर दिखाया। हाई फाइव दोस्त, हमने इतनी मेहनत की है। अब समय है इनाम प्राप्त करने का। चलो अपनी केक खाते हैं। हाँ बिल्कुल, मैंने एक बड़ा टुकड़ा ले लिया है। ओ यार, यह कितना मुलायम है। केक बस मुंह में घुल ही जा रहा है। हाँ मेरा भी। इसमें कितने सारे फ्रॉस्टिंग हैं, बहुत बढ़िया। सूजी, लगता है मेरे मुंह में आग लग गई है। और मेरे भी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आग, यह क्या था? यह इतना तीखा क्यों है? मुझे पता नहीं, लेकिन हो सकता है कि तुम्हारी क्रीम हो। हम नहीं जानते थे कि किस चीज से बना है। शायद तुम सही हो। चलो पता करते हैं। ओ नहीं मोनिका, यह वसाबी है। अब मैं समझ गई हमारे साथ क्या हुआ है। हमें इस पर पहले ही ध्यान देना चाहिए था। कितना प्यारा रंग है, बहुत सुंदर। क्या मैं पहले पहिया घुमा सकती हूँ? तुम्हें शुभकामनाएं सूजी। धन्यवाद, तुम्हारी शुभकामना ने काम किया। भाग्य सच में मुझ पर मुस्कुराया। मुझे कॉटन कैंडी मिला है। सुपर, इसे खाने में मुझे भी खुशी होगी। नहीं, ये मेरी कॉटन कैंडी है और मैं अपना केक इससे सजाऊंगी। ये कितने अच्छे से स्ट्रेच हो रहा है। ये मकड़ी के जाल की तरह लग रहे हैं। मुझे लगता है कि इसका रंग मेरे केक के साथ अच्छा लगेगा। माफ करना सूजी, पर मुझे तुम्हें सबक सिखाना होगा। तुम्हें अपने दोस्त के साथ शेयर करना चाहिए। मैं तुम्हारी कॉटन कैंडी पर पानी डालूंगी और यह पिघल जाएगी। अब यह सिर्फ एक मीठा दलदल है। चलो जारी रखते हैं। यह क्या हुआ? मेरा कॉटन कैंडी कहाँ गया? मोनिका, मुझे पता है ये तुमने किया है। चलो मुझे दो। तुम क्या कर रही हो? रुको, बस करो। मैं पूरा भीग चुकी हूँ। ये सही नहीं है। तुम्हें मेरे कॉटन कैंडी को नहीं छूना चाहिए था। इसके लिए तुम खुद ही जिम्मेदार हो। अच्छी बात है कि मेरे पास अभी भी कुछ बचा है। मैं अपने प्यारे केक को सजाना जारी रखूंगी। यह कितना सुंदर है, मुझे यह पसंद है। यह कैंडी बादल की तरह है। मैं इसे खाने से अपने आप को रोक नहीं सकती। लगभग हो गया है। हाँ यह बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तुमसे ईर्ष्या हो रही है। मुझे यकीन है कि इसका स्वाद मुझे निराश नहीं करेगा। मुलायम क्रीम और भीगे हुए केक के साथ मीठा फूला हुआ कॉटन कैंडी अच्छी तरह से जाता है। यह डिजर्ट दुनिया की सबसे अच्छी पेस्ट्री दुकान से लाई हुई लग रही है। अपने आप को देखो सूजी। वाह, कितनी बड़ी मूछे हैं। अच्छी बात है कि ये मीठे हैं और इसे खाया जा सकता है। मैं अपने केक के बारे में भूल ही गई थी। ये बहुत सारे हैं। मैं भरपेट खा सकती हूँ। मैं भी यह खाना चाहती हूँ। माफ करना मोनिका, मैं यह तुम्हें नहीं दे सकती। मैं बस बैठकर तुम्हें खाते हुए नहीं देख सकती। क्यों, मेरा पेट इतना भर गया है कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। यह अच्छा है कि तुम्हारा हो गया। अब मेरी बारी है। हुरे, मुझे मीठे स्प्रिंकल्स मिले हैं और वो यह रहा। कितनी बड़ी जार है, इसे जल्दी से खाना है। मुझे यकीन है कि उम्मीद पर खरा उतरेगा। ओह हाँ, यह बहुत मीठा है। मुझे यह पूरा केक पर स्प्रिंकल करने की जरूरत है। इसे यह और भी स्वादिष्ट हो जाएगा। मैं यह कर सकती हूँ, मैं असली मास्टर हूँ। मुझे लगता है तुम्हें रुक जाना चाहिए। तुम्हारा केक अब दिखाई भी नहीं दे रहा है। ओह स्प्रिंकल्स, मैं भी यह खा सकती हूँ। यह एक असली मास्टरपीस है। तुम्हारी केक की तुलना में यह बहुत सुंदर लग रहा है सूजी। मैं इसे खाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। ओ यार, केक मुंह में एक मीठे बादल की तरह घुल रहा है और टॉपिंग कितनी अच्छी तरह से क्रंच कर रही है। इसे ही स्वाद का संतुलन कहते हैं। रोकना असंभव है। मैं देख रही हूँ कि तुम्हें यह बहुत पसंद आ रहा है। मैं भी इसे चखना चाहूंगी। अच्छा ठीक है, यह लो खाओ। तुमने मुझे पूरा गंदा कर दिया।
तुम्हारी वजह से मेरा पूरा चेहरा क्रीम से ढका हुआ है। मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगी मोनिका। ये तुमने क्या किया? अब तो हद ही हो गई। और मुझे लगता है ये बहुत मजेदार है। वैसे गुलाबी तुम पर सूट करता है,